एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, फ्रूट सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई DDA मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन है, रेजिडेंशियल एरियाज में है, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है, वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। कोई मार्क मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ। कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज को, जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, उन एरियाज में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा अगला एक और हफ्ता, ये जो एक ऑर्डर आया है परसों केंद्र सरकार का, इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाज़त अगले एक हफ्ते तक, 3 मई तक और नहीं दे रहे। 3 महीने तक यथावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है, हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तय करेंगे। एक अच्छी खबर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक-एक मरीज के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज थे LNJP में, जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे, उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स में जाना सही नहीं है, लेकिन उसको देख के हमारा उत्साह बढ़ा है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेके, कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इनसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे, अभी तो ICU में ही हैं। और मैं एक-एक हमारी कोशिश है कि कोई भी मरीज प्लाज्मा का, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। किसी की भी मौत होती है तो बहुत दुख होता है। हमारे डॉक्टर्स, सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेस पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बचाने की, एक-एक जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति से मैं पर्सनली उसकी खबर रख रहा हूँ, एक एक मरीज की खबर रख रहा हूँ। जो मरीज ठीक होके जा रहे हैं, उन मरीजों को हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करो। एक-एक मरीज से मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी टीम भी बात कर रही है, और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि आप डोनेट कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है
कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे, हर इंसान की दो आंखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की, भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की, ये तो सिर्फ हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है, हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं, अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश को, इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा, हमारा देश इतना अच्छा है। और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है ये इससे हमें ये सबक लेना चाहिए, अगर आपके मन में कभी भी किसी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। थैंक यू। Different culture, different traditions, different people, all under one roof, under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College, academic excellence with reasonable fee structure, excellent, highly qualified faculty, well furnished and hygienic classrooms. I'm Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.